हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैडम, ये रही सारे सामान की लिस्ट और ये रहा अथॉरिटी लेटर जो हवेली से सामान आया था उसकी लिस्ट। ओके, चलो चेक करते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। काफी बड़ा बकरा फंसा है इस बार। हाँ, सामान भी काफी अच्छा है। देखना, तगड़े पैसे मिलेंगे। सही कह रही हो। पहले सर के पीछे से मारी गई है, उसके बाद लाश के टुकड़े किए गए हैं। सर, खुली इसकी नाक को चीर के निकली है, इसीलिए इसका चेहरा ठीक तरह से दिख नहीं रहा है। ये देखो, इसके हाथ में एक कड़ा कड़ा, और इसके कपड़ों को देखकर लगता है ये किसी राजा महाराजाओं के परिवार से है। ये देखिए सर, इसके हाथ पे निशान, और ऐसा ही निशान इस हाथ पे भी है। और ये देखिए सर, इसके पैरों पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है, दोनों पैरों पे। इसका मतलब मारने से पहले इसे किसी ने बांध के रखा था। लाश किसकी है? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? ये लाश आपके गोडाउन में पड़ी है और आपको मालूम है किसकी लाश है ये? सर, हमने ये फर्नीचर नीलामी के लिए मंगाया था और ये लाश पहले से ही फर्नीचर में थी। ये फर्नीचर आपने कहाँ से मंगवाए थे? सर, बांधवपुर की हवेली से। बांधवपुर के हवेली से? उस वकील ने हमें पूरी तरह से फंसा दिया सर। कौन वकील? जिसने सामान बेचा था। ये हवेली का फर्नीचर किसी वकील ने बेचा था? जी सर। इस वकील से पूछते हैं इन फर्नीचर्स में ये लाश कहां से आई। मिस्टर मोक्ष। जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट मोक्ष। यहाँ का फर्नीचर आपने बेचा था? इस हवेली का फर्नीचर आप ही ने बेचा था? जी जी हाँ। अच्छा तरीका निकाला आपने खून करके लाश छिपाने का। खून? लाश? हाँ, लाश। जो फर्नीचर यहाँ से बाहर गया है उसमें एक आदमी की लाश मिली है, कटी हुई लाश। कटी हुई लाश? हाँ। किसकी लाश है वो? उसी की लाश है जिसको पहले आपने गोली मारी और फिर उसके लाश के टुकड़े करके यहाँ पे अलमारी और बाकी के फर्नीचर में छुपा के रख दिए। जी आप क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर लाश आई कहाँ से फर्नीचर में? अपने आप तो जाके नहीं बैठ गई? मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? देखो, सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। साहब, कोई भी कसम खिलवा लो, हमने किसी का खून नहीं किया, ना ही हमें किसी लाश के बारे में पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है इसके बारे में? जिस आदमी की मौत हुई है वो शायद यहीं पे काम करता था और उसने भी तुम लोगों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और हाथ में कड़े थे। देखो, पहचानते हो इसे? ये तो मानव के है। कौन मानव? यही काम करता था हमारे साथ। लेकिन वो तो 2 दिन से गायब था। 2 दिन से गायब था?
हाँ वो चोरी करके भागा था। वो भागा नहीं था, पहले उसका खून किया गया और बाद में उसकी लाश को फर्नीचर में छुपा दिया गया। मालिक कौन है सवेली का? वो यहाँ नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं। उन्होंने सारे अधिकार मुझे दे दिए। ये देखिए पेपर्स। तुमने ये हवेली बेच दी? क्या एक होटल ग्रुप को हवेली हमने खाली करनी थी, इसलिए काफी सारे फर्नीचर हमने मुंबई भेज दिए नीलामी के लिए। अच्छा, जब ये फर्नीचर यहाँ से भेजा गया था तो तुम लोग के सामने पैकिंग हुई थी? नहीं साहब, ये फर्नीचर जिसे पैक करने के लिए दिया गया था उन्होंने 2-3 दिन यहीं पर रख छोड़ा था, उसके बाद पैक किया। फर्नीचर 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे मुंबई भेज दिए गए। सामान पैक करने वाली कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन दोनों के नंबर चाहिए हमें। आज तो चमत्कार हो गया तारिका। क्या हुआ सर? अरे फॉरेंसिक लैब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीआईडी वाले आकर के चुपचाप खड़े हो गए हो, ये नहीं पूछा हाँ सालों के साथ बताइए क्या मिला। इसमें चमत्कार की क्या बात है सर, आप काम में बिजी हैं, हमें मालूम है, थोड़ी देर बाद आप बता देंगे कि आपको कोई नई बात पता चली। नई बात तो पता चल गई है अभिजीत। पता चल गई? क्या है वो? वो ये कि इस आदमी को मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए और इसके सर पे पहले यहाँ पर गोली मारी गई और बाद में इस बेचारे के टुकड़े किए गए। क्या डॉक्टर साहब, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है अभिजीत कि लाश के कपड़ों पर से मुझे कपास के रेशे मिले, रुई के। रुई के रेशे? इसका मतलब साफ है अभिजीत, इस आदमी को किसी ऐसी जगह पर मारा गया जहां पर ढेर सारी कपास है। ढेर सारी कपास? सर, इतनी सारी कपास तो किसी कॉटन मिल में या गोडाउन में होती है ना? या फिर हमें बांदापुर में पता लगाना पड़ेगा कि उसके आसपास कोई कपास की मिल या कोई कपास का गोडाउन है क्या? ये क्या? क्या डॉक्टर साहब? देखो अभिजीत, इस आदमी के यहाँ गले में, यहाँ गले में कुछ अटका हुआ है। ये है क्या चीज, इसे निकाल के देखना पड़ेगा सर। इसने कुछ जबरदस्ती ऐसी चीज खाई है जो इसके गले में जाकर के अटक गई है। यह भी हो सकता है सारुंग के साहब कि इसे वो चीज जबरदस्ती खिलाई गई हो। हाँ हाँ, हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। पेपर कहाँ है इस आदमी ने? पेपर तो है काजल, लेकिन ये किसी फोटोग्राफ का पेपर है। फोटोग्राफ? अरे का, इसे अच्छी तरह से साफ करो, देखे तो सही आखिर ये है क्या। वो तो अच्छा हुआ बॉस पेट में नहीं गया, वरना कुछ पता ही नहीं चलता, एसिड से गल जाता। ये देखो, चार लोग कैमरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग? अभिजीत, इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, इसकी जान बचा लो। सो किसकी जान खतरे में, ये तो नहीं लिखा हुआ है। ये मरने वाला इन चारों में से किसी की बात कर रहा होगा। एक काम करो काजल, इस फोटो को डिजिटली रिस्टोर करो। सर, so.
ये लो। देखा फोटो खींचने वाले ने कैसी फोटो खींची, एक भी आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या लगता है अभिजीत, कहां पर खींची होगी ये फोटो? सर कुछ जंगल जैसा दिख रहा है। हाँ वो तो है। ये क्या है? तो कुछ एंजल विंग जैसा दिख रहा है सर। हाँ ये तो एंजल विंग ही है। सर ये एंजल विंग तो ग्रेवयार्ड में होता है, कब्रिस्तान में। हाँ कब्रिस्तान में ही तो होते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट जैसा दिख रहा है। राजा जरा जूम करो, इस एरिया को बड़ा करो सर। सर अभिजीत ये तो कब्रिस्तान ही है। ये देखो ये टूमस्टोन, एनी 1850 से 1901, काफी पुराना कब्रिस्तान है। सर ये लोग वहां पे खड़े होके कर क्या रहे हैं? कोई फ्यूनरल वगैरह तो देख नहीं रहा है। जरा पहला फोटो लगा। ये आदमी जो इसने ग्लव्स पहना हुआ है ये तो कोई बाइकर लगता है सर। सर इसके जूतों से ये बाइकर ही लग रहा है। और इसके जैकेट पे जो GRB लिखा है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बाइकर्स ग्रुप का नाम है? लड़के हैं वो GRB ग्रुप वाले, इन सबको यहाँ ले गया। अरे कोई बात नहीं यार, भाई ठंडा बोल। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। कौन है आप लोग? आप लोग CID से। CID प्लीज आइए, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। फोटोग्राफ ध्यान से देखिए, आप में से इस फोटोग्राफ में ये कौन है? सर हमने कोई खून नहीं किया। देखिए आपने खून नहीं किया है लेकिन आप में से किसी की जान को खतरा है। जरा ध्यान से देखिए फोटोग्राफ। सर पक्का तो नहीं कह सकता मगर लंबाई और बालों से कुछ कुछ हमें जैसा लग रहा है। कौन है हमें? सर वो भी हमारी तरह बाइकर है। कहाँ है हमें? सर पता नहीं, पिछले हफ्ते हम लोग बाइक ट्रिपिंग के लिए गए थे उसके बाद गायब हो गया, दिखा नहीं। गायब मतलब? सर हमें लगा कि वो शायद घर चला गया होगा। आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? सर ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी हमें। हाँ एक बार मैंने नंबर ट्राई किया था सर लेकिन लगा नहीं। कौन से रास्ते पे आप लोग ये बाइक की रेसिंग लगाते हैं? सर वो रास्ता जो पनवेल से मनोर की तरफ जाता है ना उसी रास्ते पर करते हैं। और इस रास्ते पे कोई ग्रेवयार्ड है? नो सर। नहीं सर ये पांडवपुर भी पनवेल से मनोर के रास्ते में पड़ता है। एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुनो, आज के बाद तुम्हारा ये बाइक रेसिंग बंद, ये गैर कानूनी है समझे? चलो जाओ घर पे। इस समय के बारे में पता करता है।
ना कोई मशीनरी ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। अभिजीत इस मिल में तो सिर्फ कॉटन ही कॉटन रखा है। सर गांव वाले बता रहे थे कि मिल काफी पुरानी है, इसे तोड़ के बिल्डिंग बनाने वाले हैं। ताला लगा है यहाँ पे, नया ताला है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है इसकी वजह से यहाँ पे ताला लगा के रखा है? तोड़ दो देखते हैं। गॉड अभिजीत, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ पर। हाँ सर देखो जरा। ये क्या है? रस्सी पे खून लगा है? हाँ? शायद मानव को यहीं पे बांध के रखा गया होगा। अभिजीत निकालो ये सब। बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, खुद ने मानव को यहीं पर क्यों मारा? अगर उसे मारकर फर्नीचर में डालना चाहता था तो हवेली में भी मार सकता था, हवेली तो खाली पड़ी, यहां पर क्यों? ये क्या है? देखा ग्रेवियार्ड है, कब्रिस्तान। सर कहीं ये वही कब्रिस्तान तो नहीं जो उस फोटो में था? पिछले 3 सालों से ऐसा ही हूं व्हीलचेयर पर। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अमय का डैडी विश्वजीत। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं ठीक है कोई बात नहीं। ये अमय कहाँ है? वो एक बाइकिंग ट्रिप पर गया है, 2 दिनों से नहीं आया। बांदवपुर के आसपास अमय को देखा गया था, एक खून हुआ है और अमय का इस खून से कुछ लेना देना है। बांदवपुर खून? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मानव नाम के एक आदमी का खून हुआ है। मेरे बेटे ने खून किया है? हमें ये तो नहीं मालूम कि खून आपके बेटे ने किया है या नहीं, लेकिन वहां से एक फोटोग्राफ मिली है लाश के पास से, उसमें आपका बेटा है। ये है वो फोटो। ये अमय है ना? हाँ ये मेरा बेटा है। पर ये फोटो लाश के पास कैसे? वो तो मालूम नहीं, पर हमें शक है कि अमय की जान को खतरा है। मेरे बेटे की जान को खतरा है? जी हाँ। जो फोटो हमें लाश के पास मिली थी उसके पीछे लिखा है कि इसकी जान बचाओ। प्लीज उसकी जान बचा लीजिए प्लीज। विश्वजीत जी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप ये बताइए कि ये फोटोग्राफ में जो बाकी के लोग हैं आप इन्हें पहचानते हो? ये सारा है अमय की गर्लफ्रेंड। कहाँ मिलेगी ये सारा? होटल ब्लैक पार्क में। ये होटल में रहती है? हाँ ये बाहर की रहने वाली है, इसीलिए इस होटल में ठहरी हुई है। ये एंजल विंग यूं के होना चाहिए। ढूंढते हैं, फैल जाओ। हाँ अभिजीत, ये देखिए सर ये एंजल विंग। सर ये चारों लोग यहां पे खड़े थे सर,
और वो रही कब्र, यानी 1850-1901। एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिजीत, यहां पर खड़े होके कर क्या रहे थे? अभिजीत मिट्टी धस रही है, देखो। हाँ सर, ये तो काफी मुलायम मिट्टी है। हाँ विवेक, जाओ जल्दी खोदने का सामान लेकर। सर आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये चारों लोग यहां खड़े होके क्या कर रहे थे? जरूर इन लोगों ने यहाँ पे कुछ गाड़ा है सर, यहाँ पे कुछ गाड़ा है। ये मानव की लाश के टुकड़े मिलना, उसकी लाश में से ये फोटोग्राफ मिलना, फिर बांधवपुर हवेली और फिर ये कॉटन मिल और अब ये कब्रिस्तान, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये तो कोई बॉक्स है, खुले से। माय गॉड, पत्थर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा है अंदर। पलटाओ जरा लाश को। माय गॉड, अभिजीत इस बेचारे का चेहरा इतना बिगाड़ दिया है इस पत्थर से कि कोई उसे पहचान न सके। ये ऑक्सीजन सिलेंडर और इसकी ड्रेस से ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉस्पिटल में थी। कोई मरीज थी ये सर। तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर लेकर आए वो? पता नहीं मरीज को क्यों मारा इन लोगों ने। कोई तो वजह होगी अभिजीत, कोई तो वजह होगी। विवेक काम करो, देखो आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या, पता लगाओ कोई मरीज गायब है क्या वहां से। 72 घंटे हो गए केस को होटल से गायब हुए, मगर आप लोगों ने अभी तक कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई पुलिस स्टेशन में। सर वो काफी दिनों से यहाँ रह रही थी, हमें लगा किसी काम की वजह से वो बाहर गई हो, आ जाएंगे। इससे पहले भी गायब हुई थी वो इतने दिनों के लिए? हाँ सर, वो अक्सर जाया करती थी। ये आदमी यहाँ पे आता था उससे मिलने के लिए। या हाँ सर, सारा मैडम से मिलने ये आया करता था सर। सर पिछले हफ्ते इसके साथ दो लोग और आए थे। दो लोग और कौन थे? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने से और चाल चलन से गुंडे जैसे लग रहे थे। कमाल की बात है, 3-स्टार होटल में रहने वाली लड़की, उसके गुंडों से क्या काम? अच्छा ये फोटो देखो, इन दोनों के जैसे थे बोलो। सर काट काठी से तो ऐसे ही लग रहे थे, और लास्ट टाइम जब देखा था तो कपड़े ही इसी टाइप के पहने हुए थे उन्होंने। ये दोनों आदमी हमेशा आते थे यहाँ पे? जी सर। मतलब तुमने इन दोनों का चेहरा देखा? जी सर। पूर्वी सर इन्हें ले जाओ और उन दोनों का स्केच बनवाओ। सर ये देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ कुछ नंबर लगता है, एक मिनट। इस नंबर पे फोन लगाओ, देखो कहाँ का नंबर है ये। घंटी बज रही है।
हेलो जितेन जी है क्या घर पे? अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, जितेन जी ने खुद ही नंबर दिया था हमें ये। क्या क्यों सर? ये सिमोर के मेंटल इंस्टीट्यूट का नंबर है। सिमोर मेंटल इंस्टीट्यूट? आप लोग सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? देखिए हमें एक औरत की लाश मिली है बांधवपुर से, हम उस औरत के बारे में जानना चाहते हैं। लाश? हाँ लाश, और उस लाश पर से हमें ये कपड़े मिले जो आपके मरीजों ने पहन रखे। ये ड्रेस तो हमारे यहाँ की है मगर मौत किस औरत की हुई है? तो ये पता करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जरा आप ये फोटो देखिए, ये हमें है और ये सारा। ये दोनों? नहीं सर, ये लोग यहाँ नहीं आए थे, और वैसे भी कोई भी अनजान आदमी किसी भी मरीज से नहीं मिल सकता, सिर्फ उसके परिवार वालों को छोड़कर। ठीक है, जरा आप ये स्केच देखिए, शायद ये दोनों यहाँ पे आए। ये? जी हाँ, ये दोनों आए थे यहाँ पर। हाँ सर, ये दोनों आए थे यहाँ पे। कब आए थे? यही कोई दो दिन पहले सर। दो दिन पहले? पक्का याद है तुम्हें? हाँ सर, इन्होंने गाड़ी पार्क करने के लिए वॉचमैन से झगड़ा भी किया था। क्या नंबर क्या था गाड़ी का? गाड़ी का नंबर सर सिक्योरिटी के पास एंट्री रजिस्टर में होगा। अच्छा, लेकिन एक और बात सर, इसकी वजह से हमारी मरीज भी भाग गई है। क्या इन्होंने ही भगाया था उस मरीज को? सर पक्का तो नहीं कह सकते पर हमें ऐसा लगता है। कौन थी ये मरीज? सर 23-24 साल की लड़की थी, अक्षिता नाम था उसका, बहुत बड़े घर की थी। आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उसके परिवार वालों को खबर कर दी थी सर। अच्छा, कौन है उसके परिवार में, कुछ बता सकती हैं आप? ये तो नहीं पता। हाँ, पर उसकी देखरेख उसका फैमिली लॉयर करता है सर। देखरेख फैमिली लॉयर करता था? बड़े घर की लड़की और देखरेख फैमिली लॉयर करता था। ये कहाँ की रहने वाली थी ये लड़की? बांधवपुर की रहने वाली थी। बांधवपुर? मतलब सर ये लड़की उसी रॉयल फैमिली की है जिस हवेली में हम लोग गए थे। हाँ भैया, मतलब उसके वकील ने हमसे झूठ बोला है। हाँ सर। क्यों, इस वकील ने हमसे झूठ क्यों बोला, क्या वजह हो सकती है? तो शायद पैसों के लिए। पैसों के लिए उसने अक्षिता को यहाँ से किडनैप करके वहां ले जाके गाड़ दिया जहां पे उसकी मौत हो गई। एक काम कीजिए, हमें अक्षिता के पूरे डिटेल चाहिए, उसके मेडिकल हिस्ट्री के साथ। ओके सर। अध्याय सर, उठाओ इस वकील को, गौर से देखो ये रिपोर्ट और बताओ तुमने हमसे जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ था। तुम तो कह रहे थे कि इस हवेली का मालिक बाहर रहता और सारे अधिकार तुम्हारे पास है, तो फिर ये अक्षिता कौन है? मैं मानता हूं कि अक्षिता इस हवेली के मालिक की बेटी है। तो ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों, पहले क्यों नहीं बताई? शाही खानदान की बदनामी नहीं कराना चाहता था, वर्षों से मेरी और मेरे परिवार की रोजी रोटी इस हवेली से जुड़ी हुई है। तुम्हें मालूम था ना अक्षिता गायब है, किडनैप हो गई है वो। हाँ, सब कुछ मालूम होने के बाद भी मुंह को ताला लगा के बैठा है। सब कुछ बताना चाहता था कि मैं डर गया था। इस बात का डर? कहीं किडनैपर्स अक्षिता को जान से न मार दें, और उस वक्त तक मैं फिरौती की रकम भी उन्हें सौंप चुका था। फिरौती की रकम देने के बावजूद उन्होंने अक्षिता को छोड़ा नहीं और उसे उसी की रियासत में मारकर जमीन में गाड़ दी। लेकिन लगता है ये किडनैपर अक्षिता की जान पहचान का ही कोई होगा। उसे लगा होगा कि छूटने के बाद अक्षिता पुलिस को बता देगी, इसलिए उसने अक्षिता को मार दिया। तुमको कैसे पता चला कि अक्षिता किडनैप हो गई है? मेरे पास किडनैपर्स का प्राइवेट नंबर से फोन आया था। उन्होंने कहा कि अक्षिता उनके कब्जे में है, 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो वो लोग अक्षिता को जान से मार देंगे। ये पैसे तुमने पहुंचाए कहां पे? चेनूर वाले के सिग्नल पे, उन लोगों ने पैसे वहीं छोड़ के जाने को कहा था। अक्षिता की मौत से किसे फायदा होने वाला था?
अक्षिता की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाने वाली थी। उसके उसके परिवार में से भी किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। और अक्षिता के परिवार वालों में से कौन है यहाँ पे? सर मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, लेकिन पेपर्स पे कोई मिस्टर विश्वजीत हैं, वो अक्षिता के चाचा भी हैं और गार्डियन भी बने हैं। उन्होंने अक्षिता को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया था। विश्वजीत, अक्षिता उनकी भतीजी है। हाँ हाँ अक्षिता, हाँ हाँ मेरी भतीजी, पर पिछले 10 साल से मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए बांधवपुर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता। फिर झूठ, आपने अपनी भतीजी अक्षिता को दिमाग के हॉस्पिटल में भेजा था ना? हाँ हाँ भेजा था ना, उसकी भलाई के लिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, सोचा वहां जाएगी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गलत, आपने सोचा कि उसे दिमाग के हॉस्पिटल में भेज के उसके बाद उसका किडनैप करके उसे मार देंगे और उसके बाद उसकी सारी जायदाद आपके बेटे अमय के नाम हो जाएगी। नहीं 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 सर, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल सच है। जैसे ही आपको पता चला कि अक्षिता के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, तो आपने उसे किडनैप किया और उससे फिरौती की रकम मांगी। मगर आपके बेटे ने फिरौती की रकम मिलने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड सारा और उसके दो साथियों के साथ मिलकर अपनी ही चचेरी बहन अक्षिता का खून कर दिया। नहीं 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 सर, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, वो तो खुद ही परेशान था। परेशान था क्यों, किस बात को लेकर परेशान था? नहीं, 3 दिन पहले उसने फोन करके कहा था कि कुछ परेशानी है, ठीक हो जाएगी तो घर आ जाऊंगा। किस नंबर से फोन किया था उसने? नंबर वो कोई नया नंबर था। उसने कहा था कि उसका नंबर बंद हो गया है, कोई जरूरी काम हो तो इसी नंबर पे फोन कर देना। 0219865, हाँ यही नंबर है, इस नंबर पे हम लोग फोन करने वाले हैं। पता करो इसकी लोकेशन कहाँ पे है। या थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत जी, देखिए अब हम आपके बेटे को फोन लगाने वाले हैं, तो आप उसके साथ प्यार से बात कीजिए, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हुँ? जी 0219 86। हेलो अमे, हेलो अमे, कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? 24 घंटे हो गए हैं, कोई फोन नहीं। मैं पनवेल वाले बंगले में हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा सारा कहाँ है? बेटा सारा कहाँ है? सारा? हेलो हेलो अमें? जी जी फोन काट दिया उसने। फोन क्यों काटेगा वो? अभी उसकी आवाज से तो लग रहा था कि वो परेशान है। झूठ बोल रहा है सर, अपराध करने के बाद कोई अपने घर में छुपके क्यों बैठेगा? वो तो है। हेलो, हाँ लोकेशन पता चल गई। ओके थैंक यू वेरी मच। सर फोन मांगलोई एरिया में है, ये बोल रहा पनवेल में है। मांगलोई में? यस सर। अभिषेक मांगलोई तो जंगल का इलाका है, वहां पर तो नेटवर्क बहुत ही कम होता है, आते जाते रहता है, कभी कभी तो नेटवर्क होता ही नहीं है। तो फिर ये सर जो नंबर अमय ने विश्वजीत जी को दिया था उस नंबर से 2 और लोगों को फोन किया गया है सर। तो तुमने पता लगाया वो 2 लोग कौन है? यस सर, शेखू और जग्गी। शेखू और जग्गी? यस सर। और जिस कार से अक्षिता को किडनैप किया गया था हॉस्पिटल में से, वो कार जग्गी के नाम पे रजिस्टर्ड है। गाड़ी जग्गी के नाम पे रजिस्टर्ड है, शेखू और जग्गी। विश्वजीत जी देखिए अब हम आपको और एक नंबर लगा कर देंगे। शेखू और जग्गी।
बुड्ढा तो अकेला ही दिख रहा है, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बुड्ढा हमें यहाँ बुलाकर कोई चाल तो नहीं चलेगा। चाल क्या चलेगा, उसका बेटा गायब, वो खुद डरा हुआ है। लेकिन तू सीआईडी वाले को नहीं जानता, अरे उनकी आंखें बांस की आंखें हैं, एक झटके में ढूंढ लेती हैं। तू तो हमेशा डरता ही रहता है, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, 10 साल हो गए इस धंधे में, ऐसे ही नहीं आया हूँ। अरे तो क्यों आया है? माल मिलेगा माल। माल? वो कैसे? चल बताता हूँ। अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही हमें यहाँ बुला लिया, हम तो यही चाह रहे थे कि तुम कब मिलो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बेटे ने अक्षिता का किडनैप करवाया और उस हवेली के नौकर का खून भी उसी ने करवाया। किडनैपिंग का तो पैसा मिल गया, मर्डर का बाकी जो तू देगा। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलेगा जब रकम सुनेगा तो बोलेगा। कितना? देखा बोला ना, किडनैपिंग का 10 लाख तो मर्डर का 5 गुना हुआ ना। अब आगे तू बोल। 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ 1 करोड़। शेडी जब उनको पता चला कि हम अक्षिता का खून करने वाले हैं तो वो हमसे अलग हो गए और उसने हमारी तस्वीरें खींच ली और पुलिस में जाने की बात कर रहा था। दोनों का खेल खत्म कर दिया तुम लोग। मैं और सारा कहाँ? हो सकता है हमें और सारा अकेले ना हो, उन्हें भी साथ में हो। हो सकता है सचिन, चारों तरफ नजर रखो और एक दूसरे को कवर देते रहो। सॉरी सर। सर मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई है ही नहीं, उन गुंडों ने झूठ बोला हमसे। अगर यहाँ पे कोई होता तो आवाज वगैरह तो होती नहीं। फ्रेडी यहाँ पे कोई है,
ये देखो खून के निशान। किसी के कराने की आवाज है। माय गॉड, देखो आसपास कोई है क्या? फोटो सर सुन के माय गॉड, ये तो हमें 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 किसने किया ये? हाँ, किसने मारा तुम्हें? हमें बोलो, और सारा कहाँ? हमें बोलो, सारा कहाँ है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हमें हमें ओह नो, तू मर गया। ये कैसे हो सकता है? सर क्या बोला इसने? खूनी के अगले शिकार का नाम अक्षिता। तुम अक्षिता, तुम जिंदा? चौंक गए ना मुझे देख के? हेलो सीएडी, सीएडी कहाँ ले जा रही हो मुझे? बेटा कहाँ ले जा रही हो मुझे? मामा बेटा क्या कर रही हो? मामा बेटा क्या कर रही हो? मुझे 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 माफ कर दो बेटा, मेरी कोई ना तो मुझे देखो, मुझे जाने दो, मुझे बेटा मत करो ऐसे, मत मत करो बेटा, बेटा आप भी मस्त है, मत करो ऐसे बेटा। तुम्हें सब क्यों मारना चाहती हो अपने चाचा को? क्योंकि ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। हमें और सारा को क्यों मारा? उन लोगों ने मुझे ग्रेवयार्ड में डाल दिया था मुझे मार डालने के लिए, और मैं बच गई। कैसे? अमय की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पीछा छुड़ाएगा? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है वो? मुझसे पीछा छुड़ाएगा? मैं अक्षिता को बचा के उसका सारा खेल ही बिगाड़ दूंगी, सारा खेल बिगाड़ दूंगी उसका मैं।
पागल औरत, मरने के लिए आ गई मेरे पास। ऊंची जमीन में घाटने की सजा मिलेगी तुझे। अक्षिता, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। मुझे सब पता है कौन मुझे बचाना चाहता है और कौन मुझे मारना। नहीं अक्षिता, सब लोग मुझे मार देना चाहते हैं। मेरे चाचा, मेरा चचेरा भाई, सब लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। जब तक अदालत इसे कोई सजा नहीं सुना देती, तब तक इलाज के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाओ। चल अंकिता, चल। अगर आपके बेटे ने अक्षिता को किडनैप करने की बेवकूफी ना की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.